है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत होंगे। और जी मैं आज बना रही हूँ बहुत ही छोटी सी सिंपल रेसिपी है, मेरे ख्याल से तो सबको आती ही होगी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ ही मिलके बना लें। तो मैं बना रही हूँ पीनट की चिक्की। और जी आपको तो पता है पीनट मूँगफली जो कि सर्दियों की सौगात है, तो आधी मूँगफली तो वैसे हमने खा ली है, लेकिन जितनी है चले उससे हम बना लेते हैं। तो पैन मैंने रख लिया है, फ्लेम ऑन कर दिए, तो चलें देख लीजिए आप लोग भी चीनी से हम कैसे बनाते हैं। गुड़ से तो मैंने आप लोगों को पहले बनानी सिखाई, आप चैनल पे विज़िट कर लीजिएगा, आपको वहाँ रेसिपी मिल जाएगी। तो चलें जी मिलके बनाते हैं पीनट की और चीनी के साथ पीनट चिक्की। हम यहाँ पे गचक बोलते हैं, लेकिन आप लोग भी बताइए कि आप क्या कहते हैं इसे। अच्छा जी, पैन हमने रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है, और इसमें मैं चीनी ऐड कर दूँगी। ये हाफ कप जितनी चीनी ऐड कर देंगे, और चीनी में मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड कर दूँगी। बस इसको अब हमने चीनी को डिसॉल्व करना है, कैरेमल बनाना है इसका। स्लो फ्लेम पे इसमें पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बस चीनी को हमने मेल्ट कर लेना है। और सिंपल रेसिपी है बहुत, और सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो पीनट की चिक्की बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो जी मेल्ट होती है, फिर आपसे हम मिलते हैं। तो ये देखिए चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है, हमने इसको स्लो फ्लेम पे ही मेल्ट करना है। देखिए चीनी मेल्ट हो गई, अब साथ ही इसमें मैं पीनट ऐड कर दूंगी। पीनट भी मैंने हाफ कप ली थी, इसको मिक्स करके फौरन हम निकाल लेंगे। अच्छा मैंने कटिंग बोर्ड रख लिया, ऊपर ऑयल लगा लिया, इस पर अब हमने ये डाल देना है। बहुत ही केयरफुली तो इसी पे सेट हो गई है, ठंडी होती है ना, फिर इसी स्टेज पे आप देख लीजिए अगर इसको काटना है तो। वैसे तो ऐसे ही रहने देते हैं, मैं तो सोच रही हूँ इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही तोड़ेंगे हाथ से। अच्छा इसको ना मैं ऐसे भी छोड़ दूंगी, ठंडी होती है फिर इसको हम निकालेंगे, बहुत ईजिली उतर जाएगी, अभी बहुत गर्म है ये। अच्छा जी गचक तो हमारी सेट हो गई है, उतार के देखते हैं। मैंने वुडन में लगा दिए, स्टील की किसी चीज़ में लगाना चाहिए था मुझे। क्या लग रहा है आप लोग, उतर जाएगा या डिज़ास्टर हो जाएगा? ये तो निकल ही नहीं रहा। हाँ क्या लग रहा है, उतरेगा? अच्छा ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी कि वुडन पे आप लोग डाल दें, ये देखें उतर ही नहीं रहा। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, नाइफ़ को मैं गरम करके ना फिर करती हूँ इसके। नाइफ़ मैंने गरम की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखें ऐसे, यही ट्रिक है उतारने की, इजीली उतरेंगे। तो देखिए मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ये भी, ताकि कोई भी वुडन की इसमें ना ये ना लगाए,
ऐसे उतर रही है, वरना तो ये बिल्कुल इजीली उतर जाती है। चलें क्या कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। बिस्मिल्लाह। लेकिन खानी तो हमने तोड़ गई थी, इट्स ओके। आप लोगों ने ना परात में या स्टील के किसी भी बर्तन में निकालना है, वुड में नहीं आपने करना। तो जी ये ओके सोके हमारी ये निकल गई है, और ये रहता भी ये जी, ये हमारी कचक बनी तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ना उसके ऊपर ही स्टिक हो गई थी, ये देखें। और मज़ेदार सी हमारी कचक बन गई है। वैसे भी हमने देखें तोड़ के ही खानी थी, तो चलें कोई नहीं। लेकिन ये क्या गलती मैंने की, लकड़ी के ऊपर, लकड़ी के जो है ना बोर्ड के ऊपर निकाल लिया मैंने। तो चलें जी प्लेट में निकालते हैं और इसको खाते हैं, इंजॉय करते हैं। देखिए कड़क करके टूटेगी, कितनी ये ज़बरदस्त हमारी बन गई है, चीनी से, गुड़ से भी मैंने बनाई है। हाँ जी, तो देख लिया आपने हमारी पीनट की चिक्की कैसी बनी है। मेरी तो वुडन बोर्ड के ऊपर चिपक गई थी, लेकिन बहुत मज़े की बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियाँ हैं, बना के आप इसको 8-8 जार में रख लीजिए, जब दिल करें निकालें और खाइए। तो जी चलते तो हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ भी पीछे आ रही है लेने के लिए।